जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा था, एक वीडियो के ऊपर स्टोरी वीडियो रनिंग कर रही थी। तो इसी तरीके की स्टोरी वीडियो आपको बनाना सिखाएंगे, वो भी वीडियो के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको वीडियो ले लेना है, जो भी आप वीडियो लेना चाहते हो और उसके ऊपर स्टोरी रनिंग कराना चाहते हो। तो चलिए वीडियो ले लेते हैं। वीडियो लेने के लिए मीडिया पर करेंगे एक बार क्लिक। मीडिया पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से जितने भी फोल्डर होंगे वो सभी आ जाएंगे। तो आप जहाँ से भी वीडियो लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से इस वाले फोल्डर पर करेंगे एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये वाला वीडियो है और यही वाला हम वीडियो लेंगे, तो इस पर करेंगे एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही सेकेंडों में ये वाला वीडियो आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये वाला वीडियो आ गया है। अब इसी के ऊपर स्टोरी रनिंग कराएंगे, चाहे वीडियो हो चाहे इमेज हो, सेम एक ही प्रोसेस है। जैसे इमेज लेते हैं वैसे ही वीडियो लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वीडियो ले लिया है। अब यहाँ पर स्टोरी लिखने के लिए लेयर पर करेंगे एक बार क्लिक। लेयर पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर करेंगे क्लिक। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब जो भी अपना स्टोरी है वह यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ओके पर करेंगे क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये अपनी स्टोरी आ चुकी है। अगर ये आपको सही से नहीं दिख रही है तो आपको नीचे आना होगा और नीचे आना होगा और नीचे आना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्लो, ग्लो पर करेंगे एक बार क्लिक। क्लिक करने के बाद इनेबल पर करेंगे क्लिक। इनेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर पर करेंगे क्लिक। कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रेड कलर लेंगे और रेड पर कर देंगे क्लिक। तो चलिए कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दो सेटिंग है, इनको आगे बढ़ाना देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ताकि ये एकदम स्पष्ट नज़र आ सके। अब इतना काफ़ी है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये रनिंग नहीं कर रहा है। चलिए वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं। तो इसको रनिंग कैसे कराएंगे टेक्स्ट को, तो चलिए ये भी सिखा देते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है जो टेक्स्ट है, इसको थोड़ा इस तरीके से जूम करना है। जूम करने के बाद आपको नीचे लेकर आना है इस तरीके से। नीचे लेकर आने के बाद एक चाबी का ऑप्शन है जहाँ पर मैंने टिक लगाया है, इसी चाबी के ऑप्शन पर एक बार करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ तक वीडियो को खिसकाना है। जैसे कि देख सकते हैं हम खिसका रहे हैं इसी तरीके से। खिसकाने के बाद अब ये जो लिखा हुआ है इसको ऊपर की ओर ले जाना है। तो चलिए ऊपर की ओर ले चलते हैं। बिल्कुल ऊपर की ओर कर देना है, बिल्कुल डिस्प्ले पर दिखना नहीं चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इतना कुछ करने के बाद खाली जगह पर क्लिक कर देना है, या बैक भी कर सकते हो। तो चलिए कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर वीडियो अपना टेक्स्ट वो रनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं अभी इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो आप जितना पढ़ सको उतनी इसकी स्पीड रखना है। तो स्पीड कम करने के लिए यहाँ पर आपको खींचना है इस टेक्स्ट पर एक बार करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको खींचना है। जितना आप खींचते जाओगे उतनी ही इसकी रनिंग स्पीड कम होती जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर इतनी हो गई है। अगर और करना है तो चलिए इस वाले वीडियो का डुप्लीकेट कर देते हैं। चलिए डुप्लीकेट कहाँ से होगा देख सकते, चलिए यहाँ से करेंगे तीन बिंदी पर क्लिक। तीन बिंदी पर क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट पर कर देंगे क्लिक। तो देख सकते इसी वीडियो का डुप्लीकेट हो गया है। अब और स्पीड इसकी स्लो करनी है टेक्स्ट की, तो इस पर करेंगे एक बार फिर से क्लिक और इस तरीके से खींचेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर खींच रहे हैं। इसी तरीके से आपको इसकी स्पीड कंट्रोल करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वीडियो प्ले करके दिखाया है और यहाँ पर टेक्स्ट रनिंग करने लगा है। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आए वीडियो बनाने में और रनिंग करने में, पूरी स्टोरी रनिंग करने में, तो मुझे कमेंट में बताएं, आपका समाधान होगा। पूरी स्टोरी किस तरीके से रनिंग कराई जाती है ये अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।